हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कीमा करेले की रेसिपी। तो उसके लिए हमने ये करेले लिए हैं। करेले हमारे 1.5 केजी हैं, 1.5 किलो करेले यानी कि। तो इसे मैंने छील के अच्छे से और बीच स्लाइस में, इसे गोल स्लाइस में कट कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको दिखाने के लिए 3-4 करेले थोड़े से रहने दिए हैं। आधे मैंने कट कर लिए हैं और आधे मैंने ऐसे रहने दिए हैं। तो हमें गोल स्लाइस में करेले को कट करना है। तो इस तरीके से पकड़ना है हमें, इसका ऊपर से जो छिलका होता है एक्स्ट्रा वो हमें निकाल देना है और इस तरीके से छुरी से हम इसे स्लाइस में कट कर लेंगे। तो बहुत ही इजीली ये कट हो जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अभी आपको इसमें से कुछ नहीं निकालना है, इसके बीज वगैरह ऐसे ही रहने देने हैं क्योंकि हम इसे नमक लगाने वाले हैं और नमक से हम इसे अच्छे से रगड़ेंगे ताकि इसका कड़वापन है वो इसमें से निकल जाए। अगर आप मेरे इस तरीके से करेले बना के देखेंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। तो हम इन करेलों को सबसे पहले हम इन्हें सुखाएंगे, हम इन्हें पूरा 1 दिन के लिए सुखाएंगे और सुखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे करेले एकदम सूख चुके हैं और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो करेलों को हमें कई पानी से धोना है, कम से कम 5-6 बार पानी से धोना है। और इनमें हमने नमक लगा के रख दिया था, नमक से हमारा कड़वापन निकल जाता है करेले के अंदर से। तो जो सारे बीज वगैरह इनमें एक्स्ट्रा होते हैं वो हमने सारे निकाल के फेंक दिए हैं और हमने इसे अच्छे से मुट्ठी से कस के इस तरीके से पानी निकाल लिया है। एकदम हमारे खिले खिले करेले होने चाहिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप इनकी क्वांटिटी देख सकते हैं कि कितनी कम हो गई है सूखने के बाद। तो एकदम हमारे ये फ्रेश करेले हैं और पकाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो जितनी क्वांटिटी हमने करेले की ली है उतनी क्वांटिटी हमें प्याज की लेनी है, बराबर सेम। तो 1.5 किलो हमारे करेले थे तो मैंने यहाँ 1.5 किलो से 1.25 किलो ही प्याज ले ली है और प्याज को भी गोल स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। तो बराबर क्वांटिटी जाती है हमारी, जितने हमारे प्याज और करेले बराबर जाएंगे। और कीमा आप अपने मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप बराबर ले लेंगे कीमा तो बहुत ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी ये। तो यहाँ मैंने 1 किलो कीमा लिया है। तो मैंने तीनों चीज़ों की सेम क्वांटिटी ली है, 1-1 किलो, 1-1 किलो यानी 1 किलो से 1.25 किलो करीब। तो यहाँ हमने अच्छे से वॉश करके कीमा और करेले को रख लिया है। तो करेले एकदम हमारे रेडी हैं पकाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने करेले को फ्राई करेंगे, एकदम गोल्डन होने तक फ्राई करना है हमें। तो यहाँ मैं कुकर ले रही हूँ, कुकर में बनाने वाली हूँ मैं। तो कुकर में यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम ऑयल को गर्म कर लिया है। हम सरसों के ऑयल में ही ये सब्ज़ी बनाते हैं अक्सर, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने करेले को फ्राई करना है, एकदम गोल्डन होने तक फ्राई करना है और अच्छे से चला चला के इसे फ्राई करना है। सेम आप मेरे इसी तरीके से करेले बना के देखें, आपके करेले की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनेगी। जो लोग यूँ कहते हैं ना कि हमारे करेले कड़वे हो जाते हैं, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। आप इन करेलों में प्याज भी डाल सकते हैं, यानी प्याज या चने की दाल डाल के भी बना सकते हैं। अगर आपको कीमा की पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर कीमा डाल के ही इस तरीके से करेले बनाते हैं। तो इनका कलर एकदम गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो करेले मैंने वापस उसी प्लेट में निकाल लिए हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड कर दिया है इसके अंदर 1 चमचे के करीब, क्योंकि करेलों ने हमारा सारा ऑयल सोख लिया था। तो ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी करके अपनी प्याज को ऐड कर रही हूँ। तो हमें सेम तरीके से प्याज को भी फ्राई करना है इसी तरीके से। तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से ये फॉलो करें कि कैसे किस तरीके से मैं ये बना रही हूँ। तो करेले को फ्राई करके निकाल लेना है, उसके बाद आपको प्याज इसमें डाल देनी है। प्याज को फ्राई होने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा क्योंकि प्याज हमारी थोड़ी देर में फ्राई होती है, तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा प्याज को फ्राई होने में। तो यहाँ 8 से 10 मिनट हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं कि गोल्डन होने तक हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है और प्याज की क्वांटिटी एकदम कम हो चुकी है। तो यहाँ हम इसी स्टेट पे अपना कीमा ऐड कर देते हैं। तो हम सारा कीमा ऐड कर देंगे। कीमा हमने मोटा मोटा लिया है,
आप बारीक कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा कीमा इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है यानी खाने में भी, और थोड़े अलग से इसके चंक्स चमकते हैं। तो कीमे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ 2 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और ये 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ सौंफ का पाउडर ले रही हूँ। आप सौंफ का पाउडर ज़रूर से ऐड करें। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नॉर्मल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ कुटी मिर्च लूँगी, चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून मैं यहाँ हल्दी ले रही हूँ, और 2 टेबल स्पून डालूँगी इसमें धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक हमें कम लग रहा था तो हमने 1/2 टेबल स्पून नमक और डाल दिया। सबसे लास्ट में हमें अपने करेले डालने हैं, जो हमने फ्राई करके रखे थे प्लेट में, वापस से हमें इसी में मिक्स कर देने हैं अपने करेले को। तो हम सारे करेले मिक्स कर देंगे इसी तरीके से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ऊपर नीचे कोई भी हमारा मसाला बाकी ना रह जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा 1 गिलास के करीब पानी ले रही हूँ इसमें, ताकि कीमा हमारा गल जाए और करेले भी हमारे गल जाएं। तो यहाँ पानी डाल के मैंने सारे सामान को मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इसकी लीड से कवर करके हम इसे रख देंगे। तो यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पे इसमें 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। 4 से 5 सीटी लगाने के बाद फिर मैं इसे खोल के देखूंगी। तो लगभग 4 से 5 मैंने सीटी लगा ली थी, और थोड़ी मैंने हाई फ्लेम पर भी 2 सीटी लगा ली थी। तो मैंने इसे खोल के देखा है तो करेले हमारे एकदम पके हुए हैं, और एकदम नीचे से ये हल्के हल्के लगने भी लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो सब्जी को मैंने अच्छे से कस के भून लिया है। अब इसे हम डिस आउट कर लेते हैं। तो डिस आउट करने के लिए मैंने एक ट्रे ली है, उसमें मैं ये निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही लाजवाब हमारी सब्जी बनी है। आप ये मेरी सब्जी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इस तरीके से कीमा करेले पहले खाए हैं या नहीं। अगर नहीं खाए हों तो मेरे तरीके से इन्हें ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी न्यू वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फॉलो करें, और मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।